मानसून की विदाई के बाद बीते दिनों से देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश दर्ज की गई। बेमौसम हुई इस बारिश ने एक तरफ जहां आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया तो वहीं दूसरी ओर किसानों की मेहनत पर पूरी तरह पानी फेर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अब बारिश रुकने के बाद इसके आगे परिणाम देखने को मिलेंगे। असल में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हुई बेमौसम बारिश ने खेतों को तालाब में तब्दील कर दिया है। इसके चलते धान समेत खरीफ सीजन की अन्य फसलें खेतों में ही पानी में भीग गई हैं। नतीजन धान में नमी की मात्रा बढ़ गई। वहीं इस बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को फसल काटने के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। इस वजह से फसल कटाई के चक्र में बदलाव आया है, जो किसानों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। दरअसल बेमौसम बारिश की वजह से खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान में नमी की मात्रा बढ़ गई है। इस वजह से किसानों को कई दिनों तक अपनी फसल खेत में सुखाने के लिए छोड़नी पड़ेगी और जिससे कटाई का चक्कर बदल जाएगा। इसका मुख्य नुकसान रबी सीजन को होने का अनुमान है। मसलन इस वजह से रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं की बुआई टलने की तरफ बढ़ रही है। असल में गेहूं के गेती किस्म की बुआई 20 अक्टूबर से शुरू की जा सकती है। इस संबंध में बीते दिनों ICAR ने किसानों के लिए एडवाइजरी भी जारी की थी, लेकिन बीते दिनों हुई बारिश के बाद अब धान की कटाई ही आगे बढ़ गई है। इस वजह से गेती गेहूं की बुआई पर भी असर पड़ना लाजमी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।